Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum class, kaise ho aap sab? Umeed karti hu ki aap sab khairiyat se honge. Allah pak ka khaas karam hai aap pe. To umeed hai ki aap log jo hai wo ab padhna shuru ho gaye hain, har lecture ko saath saath yaad kar rahe hain, practice kar rahe hain, jo assignments aap logon ko di gayi hain wo bhi aap log bana rahe hain. To aaj jo hamara lecture hai, lecture number 5, वो है नॉन मस्कुलर एंड मस्कुलर मूवमेंट ऑफ इनवर्टिब्रेट्स. ये चैप्टर जो हमने शुरू किया हुआ था वो था प्रोटेक्शन, स्पोर्ट एंड मूवमेंट. तो प्रोटेक्शन और स्पोर्ट तो हम डिस्कस कर चुके हैं. तो इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है मूवमेंट. तो मूवमेंट किस तरह की होती है एनिमल्स में, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में जो मूवमेंट है वो किस तरह की है, उसमें से हम इनवर्टिब्रेट्स की जो है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं. तो कंटेंट्स को देख लें आप लोग, फर्स्ट फोर टॉपिक हम इस चैप्टर के डिस्कस कर चुके हैं जो कि वाज अबाउट इंटेगुमेंट्री सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स. सेकंड जो था वो वर्टिब्रेट्स का सिस्टम था. थर्ड लेक्चर हमारा स्केलेटल सिस्टम था इनवर्टिब्रेट्स का. और जो फोर्थ लेक्चर था वो स्केलेटल सिस्टम था वर्टिब्रेट्स का. तो आज हमारा फिफ्थ लेक्चर है जो कि एन इंट्रोडक्शन टू एनिमल मसल्स, नॉन मस्कुलर एंड मस्कुलर मूवमेंट ऑफ इनवर्टिब्रेट्स. सो ये हम डिस्कस करते हैं कि ये नॉन मस्कुलर और मस्कुलर मूवमेंट्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स की किस तरह के हैं, किस तरह ये हेल्प करती है इनवर्टिब्रेट्स की मूवमेंट में, कैसे उनको मूव करवाती है. तो व्हाट इज़ नॉन मस्कुलर मूवमेंट्स, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है मूवमेंट. एक वर्ड मूवमेंट होता है, दूसरा लोकोमोशन होता है. ये दोनों वर्ड जो है आपने पहले पढ़े हुए हैं, उनकी टर्म्स भी आपको पता होगी. मैं एक दफ़ा फिर बता देती हूँ कि मूवमेंट और लोकोमोशन में डिफरेंस क्या है, जो कि है मूवमेंट. मूवमेंट तो सिर्फ किसी एक ख़ास बॉडी पार्ट की होगी, लेकिन जो लोकोमोशन है वो यानी एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव करके जाना, उसमें बकायदा मूवमेंट होगी. ठीक है, यानी उसकी पोजीशन चेंज होगी. आप इस तरह कह सकते हैं लाइक लोकोमोशन इज़ व्हेन द मूवमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ द बॉडी लीड्स टू चेंज इन द पोजीशन. यानी जो मूवमेंट हो रही होगी ना बॉडी पार्ट की, वो जो है वो चेंज करेगी उस रेलिवेंट पोजीशन को. वाइल ऑन द अदर हैंड व्हाट इज़ मूवमेंट, तो जस्ट मूव अ बॉडी पार्ट्स टू ब्रिंग विदाउट चेंज. यानी सिर्फ मूवमेंट होगी बॉडी पार्ट्स की और विदाउट चेंज, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी. क्लियर इट? सो अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, नॉन मस्कुलर मूवमेंट. तो यानी नॉन मस्कुलर वर्ड ही शो कर रहे हैं ऐसी मूवमेंट जिसमें मसल्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, विदाउट मसल्स. सो जो ऑल सेल्स हैव सम कैपेसिटी टू मूव एंड चेंज शेप ड्यू टू देयर साइटोस्केलेटन. यानी जितने भी सेल्स हैं बॉडी के, सभी को ज़रूरत होती है मूवमेंट की, शेप चेंज करने की, ट्रांसफॉर्मेशन की. तो यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना, लाइक मूवमेंट ऑफ अ सर्टन सेल्स लाइक प्रोटिस्ट्स हैं, बहुत से और बहुत से एनिमल्स हैं. इसके अलावा वाइट ब्लड सेल्स हैं, फ्लूइड है. ठीक है, इन सब की मूवमेंट होती है ना. तो वो मूवमेंट क्या मसल्स के ज़रिए होती है? नो. तो ये जो मूवमेंट है ब्लड सेल्स की है, सिलोमिक फ्लूइड की है, कुछ प्रोटिस्ट हैं लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, तो उनमें तो नहीं है मसल्स, तो वो मूवमेंट कैसे करेंगे? सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ नॉन मस्कुलर मूवमेंट्स. पहले हम नॉन मस्कुलर मूवमेंट डिस्कस कर रहे हैं, तो वो किस तरह होगी. यानी यहाँ पे तीन किस्म के सेल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, जो कि इनमें मूवमेंट करेंगे. कौन कौन से हैं? सूडोपोडिया है, फ्लैजिला है, सीलिया है. ठीक है, ये तीन हैं जो नॉन मस्कुलर मूवमेंट जो है नॉन मस्कुलर मूवमेंट में हेल्प करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे इस मूवमेंट में. ठीक है, तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पहले आप लोग देख लें, इनको ब्रीफली डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं. ये सीलिया का स्ट्रक्चर दिखाया गया है पैरामीशियम में. ठीक है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन है. फ्लैजिला है और विप लाइक है ये. ठीक है, जैसे टेल की तरह है. तो अमेबा में सूडोपोडिया है, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है. ये सिर्फ आपको यहाँ पे एक डायग्राम की मदद से एक छोटा सा जो है सेगमेंट दिखाया गया है. इनको हम वन बाय वन डिस्कस भी करते हैं. सो फर्स्ट वन है अमेबॉयड मूवमेंट. तो ये जो अमेबॉयड मूवमेंट है, तो मतलब अमेबॉयड ही इसे क्यों कहा जाता है?
क्योंकि ये जो है ना फर्स्ट टाइम जो अमीबा में ये जो है डिस्कवर हुई थी, ठीक है, इसीलिए से अमीबॉइड मूवमेंट कहते हैं. यानी फर्स्ट टाइम जो ऑब्जर्व हुई थी ना वो अमीबा में हुई थी, तो इसीलिए इसको अमीबॉइड मूवमेंट कहा गया. प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी जो अमीबा की, ठीक है, वो एबिलिटी रखती थी एडहेसिव यानी चिमटने की एबिलिटी रखती थी, क्लिंग की एबिलिटी रखती थी, ठीक है. सूडोपोडिया यहाँ पे जो है वो हेल्प करेगा, ये जो अमीबॉइड मूवमेंट है इसमें सूडोपोडिया हेल्प करेगा, ठीक है. तो सूडोपोडिया अब क्या है, या अमीबा का स्ट्रक्चर अगर आप लोगों ने देखा हो तो ये नीचे भी एक सेल्स का स्ट्रक्चर दिखाया गया है. सूडोपोडिया जो है ये एक उसके मूवमेंट के लिए एक जिसे कहते हैं लिटल फुट या फॉल्स फुट बनता है. सूडोपोडिया जो है ये प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर वर्ड के लिए हम सूडोपोडियम यूज़ करते हैं, तो ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया जिसमें सूडस का मतलब फॉल्स है एंड पोडियन का मतलब होता है लिटल फुट. तो ये अमेबा ने जिस साइड पे मूव करना होगा उस साइड पे उसका एक फॉल्स ये लिटल फुट बन जाता है, ठीक है, अटैच टू द सबस्ट्रेट एज दे फॉर्म. सो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो स्लाइड ओवर होती है अपने साइटोप्लाज्म को मूव करवाती है, जिस साइड पे साइटोप्लाज्म अंडुलेट होगा उसी साइड पे उसका एक सूडोपोडिया सा बन जाएगा और वो क्या करेंगे मूवमेंट शो करेंगे. तो ये ऐसे भी है कि ये सूडोपोडिया तब बनता है जब एंडोप्लाज्म फ्लो करती है ना फॉरवर्ड, और फिर वो उसके फॉरवर्ड फ्लो करने की वजह से चेंजेस वही जो एंडोप्लाज्म वो चेंज हो जाती है इनटू एक्टोप्लाज्म. तो इस तरह अमीबा क्या करता है मूव करता है. इसके अलावा अमीबॉइड मूवमेंट भी इसी तरह होती है, लाइक ये एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में दिखाया गया है. हम पहले उसके अटैचमेंट के लिए रिसेप्टर बाइंडिंग है वहाँ पे वो अटैच होंगे उस रेलेवेंट टिश्यू के साथ, फिर वो क्या करेंगे अपनी मूवमेंट को जारी रखेंगे. तो जो सेकंड वन है वो है सीलरी एंड थर्ड जो है वो फ्लैजुलर मूवमेंट. तो इसको यहाँ पे इकट्ठा इसीलिए दिखाया गया क्योंकि इन बहुत से इनके जो फंक्शंस है वो कंबाइन ही है, एक जैसे ही है. इसके अलावा बस एक ही इसका यहाँ पे एक डिफरेंस है कि जो सीलिए हैं वो थोड़ा शॉर्टर होता है और न्यूमरस होता है, यानी साइज़ में भी छोटा होता है, बहुत सारे सीलिया होते हैं, जबकि फ्लैजुला साइज़ में बड़ा होता है, लंबा होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होता, एक या दो इवन या पेयर फॉर्म में होगा. सो सीलरी मूवमेंट्स किस तरह होंगी, ये जो सीलरी मूवमेंट इज़ ब्रॉट बाय अपेंडजेस, ये जो हेयर लाइक एक्सटेंशंस है ना प्रोजेक्शन होती है ना, पीछे आपने पैरामीशियम के स्ट्रक्चर में देखी होंगी, तो वो छोटे छोटे जो धागे से हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं वो, ठीक है, हेयर लाइक एक्सटेंशंस है, तो वो कोऑर्डिनेट करती है यहाँ पे है ना. सीलिया मूवमेंट्स आर कोऑर्डिनेटेड, यानी कोऑर्डिनेटेड सीलिया बीट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन टू मूव द ऑर्गेनिजम्स, यानी जिस साइड पे सीलिया मूवमेंट शो करेंगे उसी साइड पे वो ऑर्गेनिजम्स क्या करेगा मूव करना शुरू कर देगा, जिस साइड पे वो अपनी मूवमेंट कोऑर्डिनेट करेंगे बीटिंग करके. इसके अलावा यहाँ पे है कि जो एपिडर्मिस है फ्ली लिविंग फ्लेटवर्म्स हैं निवर्टियन है, इनमें ज़्यादातर सीलिया जो है एज अ मूवमेंट स्ट्रक्चर है. इसके अलावा स्मॉलेस्ट स्पेसिमन है, ठीक है, वही है जो पीछे प्रोटिस्ट वगैरह है, तो लार्जर फ्लेटवर्म्स में भी है. इसके अलावा लार्जर फ्लेटफॉर्म्स में ये एज अ सीलरी क्रीपिंग करते हैं, ठीक है, उनको रिंगने में हेल्प करते हैं लोकोमोशन में. तो इसके अलावा जो फ्लैजिला तो ये भी एक प्रोजेक्शन ऑफ अ सेल है, ठीक है, पिछले हमने डिस्कस किया कि ये सीलिया से लार्जर है और वन और पेयर फॉर्म में होता है, और कैन आल्सो ये भी क्या करता है मूव करता है कोऑर्डिनेशन करता है ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है, कैन आल्सो मूव ऑर्गेनिज्म बाय अ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, ठीक है, कोऑर्डिनेशन करेगा और वो रेलिवेंट और जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा मूवमेंट करेगा. यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है मूवमेंट का, फ्लेजेलम का है और सीलिया का स्ट्रक्चर. फ्लेजेलम का स्ट्रक्चर देख लें तो ये जो है एक्सटेंड हुआ है फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ वैरायटी सेल्स, यानी बेजल बॉडी से इसका जो स्ट्रक्चर है वो शुरू है. तो इसी तरह सीलिया भी बेजल बॉडी के साथ ही अटैच है, वो बेजल बॉडी सीलिया जो है वो पैरामीशियम में कंसीडर आप कर लें कि उसकी जो बेजल बॉडी के साथ सीलिया अटैच है, क्लेमेडम नॉस है, बैक्टीरियम है, उनकी बॉडी की बेजल बॉडी से शुरू प्रोजेक्शन है ना, प्रोजेक्शन ऑफ द सेल है, तो वहाँ से फ्लेजेलम शुरू हो रहा है. ये जो है इनका बीटिंग पैटर्न दिखाया गया है, बीटिंग पैटर्न ऑफ फ्लेजेलम एंड सीलिया, किस तरह ये बीट करते हैं और उस रेलिवेंट ऑर्गेनिज्म को मूव करवाते हैं. तो जो फ्लेजेला है ये प्रोपेलर लाइक इसकी मोशन होगी, पीछे बैकवर्ड प्रोपेल करेगा और आगे फॉरवर्ड मूव होगा, ठीक है. इसके अलावा जो सीलिया है ये बैक एंड फोर्थ बीटिंग करते हैं, ठीक है, इसके कुछ अगर
कुछ इसके जो प्रोजेक्शंस है वो बैक साइड पे क्लिंग करके रखेंगे और अगली जो होंगी वो मूव करेंगे, ठीक है। यानी साइमल्टेनियसली सारे इकट्ठे सिलिया मूव नहीं करते, तो इसमें से कुछ सिलिया आगे की तरफ मूव करते हैं और कुछ पीछे को सबस्ट्रेट के साथ अटैच रहते हैं, इस तरह ये अपनी मूवमेंट करते हैं। सो एन इंट्रोडक्शन टू एनिमल सेल्स। चलिए पहले हमने नॉन मस्कुलर डिस्कस किया, अब हम मस्कुलर टिश्यू को डिस्कस करेंगे, मस्कुलर मूवमेंट डिस्कस करेंगे इन्वर्टिब्रेट्स में। तो जो बेसिक फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी है ना मसल टिश्यू की, वो है एक्साइटबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी है इसकी, ठीक है। इसके अलावा एक्साइटबिलिटी का मतलब है टू बी स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच कितना आ रहा है। फर्स्ट वन था एक्साइटबिलिटी, तो एक्साइटबिलिटी का मतलब है इसमें कितनी वो उसमें मूव करने की जो है इसकी इरिटेबिलिटी आ रही है। एक्सटेंसिबिलिटी जो है वो स्ट्रेच कितना है। इलास्टिसिटी का मतलब है यानी कितनी एबिलिटी रखता है कि टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर बीइंग स्ट्रेस्ड और कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेच के बाद वो अपनी ओरिजिनल पोजिशन को कितना मेनटेन कर सकता है, रिटेन कर सकता है, ये इसकी इलास्टिसिटी है। इसके अलावा जो एनिमल सेल्स हैं उसकी कितनी टाइप्स है, मैनी एनिमल्स में है वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मसल्स टिश्यूज, जिसमें स्मूथ मसल्स हैं, कार्डियक स्केल्टल मसल्स, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें मसल्स फाइबर क्या है, वही जो मसल्स उसका जो कॉन्ट्रैक्टाइल सेल होगा ऑफ दैट टिश्यू आर कॉल्ड मसल्स फाइबर। तो हम इनको ज़रा वन बाई वन डिस्कस कर लेते हैं। जो स्मूथ मसल्स हैं, ये मसल्स हैं ऑफ ऑल इंटरनल ऑर्गन्स, यानी इंटरनल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, एक्सेप्ट हार्ट, हार्ट की नहीं, ठीक है। और इसके अलावा इसकी अकरेंस कहाँ पे है, ये कहाँ पे पाया जाता है, एनिमल यानी इट इज़ फाउंड थ्रूआउट आउट एनिमल किंगडम, ऑल द इन्वर्टिब्रेट्स आर्थ्रोपोड्स के अलावा। इसके अलावा ये जो मसल्स हैं ये ब्लड वेसल्स में हम डिस्कस कर रहे हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक में हैं, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं। तो इसका स्ट्रक्चर, इसकी शेप किस तरह की होगी, स्पिंडल शेप है, ये लॉन्ग होते हैं और स्पिंडल शेप होते हैं। अभी हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्पिंडल मीन बारीक सरों वाले, जो बारीक इसके एंड होंगे। इसके अलावा इसमें न्यूक्लियस कितने हैं, सिंगल न्यूक्लियस है। स्ट्राइएशंस है कि नहीं, नो इट हैज़ नो स्ट्राइएशंस, ठीक है। इसका एक्शन कैसा है, इट इज़ Not under voluntary control, it's mean ये involuntary है। इसका action क्या है, involuntary है, under conscious नहीं है, नहीं हम खुद ब खुद नहीं करते, ये जो है ना ये मतलब involuntary है, हमारे मर्ज़ी के मुताबिक इसकी movement नहीं है, इसीलिए involuntary है। तो involuntary जो होता है वो involuntary जो action होता है वो किसके under होता है, somatic और autonomic nervous system के under होता है, ठीक है, वो involuntary होते हैं। यानी स्पॉन्टेनियसली जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है वो स्पॉन्टेनियसली है, नॉट अंडर कॉन्शियस। सो इसके अलावा इट कैन रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ कॉन्शियस एंड कॉन्ट्रैक्शन फॉर लॉन्ग पीरियड विदाउट फटीग, यानी खुद ब खुद होता रहता है और चलता ही रहता है, नॉन स्टॉप है। तो आगे जो कार्डियक मसल्स हैं, हार्ट मसल्स होते हैं, उन्हें कार्डियक मसल्स बोलते हैं, यानी मसल्स ऑफ द वर्टिब्रेट हार्ट इज कॉल्ड कार्डियक मसल्स। इसकी अक्रंस कहाँ पे, ऑब्वियसली हार्ट मसल्स हैं, तो हार्ट वॉल मास ऑफ द हार्ट वॉल में है ये। इसके अलावा इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, इट इज़ कम्पोज ऑफ चेन ऑफ सिंगल सेल्स, चेन बनी होती है ना। तो इसमें न्यूक्लियस किस तरह के होते हैं, तो ईच सेल हैज़ इट्स ओन न्यूक्लियस, हर पर सेल न्यूक्लियाई होगा, ठीक है। इसके अलावा इसकी भी चेन बनी होती है, फाइबर्स बने होते हैं। तो ये फाइबर्स कैसे होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, ब्रांच्ड भी होती हैं इसमें। तो इसके एक्शंस क्या है, कार्डिक मसल्स के हैं, वॉलंट्री है या इनवॉलंट्री है, इनवॉलंट्री है, ठीक है, ये भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर है। इसके अलावा स्केल्टल मसल्स क्या हैं, ऐसे मसल्स जो कि एसोसिएटेड होते हैं विद मूवमेंट्स ऑफ बोन, ठीक है, इस कॉल्ड स्केल्टल मसल्स। तो इसके एक्शन क्या है, ये वॉलंट्री है, ठीक है, दे आर वॉलंट्री मसल्स, कॉन्शियसली कंट्रोल होते हैं ना। तो इसके अलावा इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, स्ट्राइएशंस होंगी इसमें, अल्टरनेटिव बैंड बने होंगे, बैंड्स होंगे लाइट एंड डार्क बैंड, इसी को हम आगे डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो कुछ इसमें माइक्रोस्कोपिक मसल्स फाइबर्स हैं, तो यहाँ पे डिटेल की तो ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपने इन तीनों में डिफरेंस याद रखना, आगे हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो द मस्कुलर सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स।
मस्कुलर सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स ऑब्वियसली ये इस डिफरेंस है, डिफरेंशिएट है, डिफरेंशिएट करते हैं हम इसको वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट से. तो अ फ्यू फंक्शनल डिफरेंसेस अमंग इनवर्टिब्रेट्स मसल्स इंडिकेट सम ऑफ द डिफरेंट फ्रॉम द वर्टिब्रेट्स स्केलेटल मसल्स. किस तरह ये वर्टिब्रेट्स के स्केलेटल सिस्टम से डिफरेंस होता है उसको हम डिस्कस करते हैं. तो ये जो मस्कुलर सिस्टम है ये किस किस में पाया जाता है? फ्लैटवर्म्स में, नेडेरियंस में, गैस्ट्रोपोड्स में और मोलस्क्स में. तो ये जितने भी हमने एग्जांपल्स के नेम दिए हैं तो इसमें उस मूवमेंट को हमने नेम क्या दिया हुआ? पैडल लोकोमोशन है ये सॉफ्ट बॉडीड का, ठीक है, या एक टर्म आती है लोकोमोशन ऑफ सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स. पहले हम सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स डिस्कस करेंगे. यूनिक एग्जांपल्स हैं फ्लैटवर्म्स, नाइडेरियन, गैस्ट्रोपोड, मोलस्क्स जो है, क्योंकि सॉफ्ट बॉडी होने की वजह से इसमें किस तरह की लोकोमोशन होगी? तो पैडल लोकोमोशन है, लूपिंग मूवमेंट है और वाटर वास्कुलर सिस्टम ऑफ एकिनोडर्म्स. इन तीनों टर्म्स को हम डिस्कस करते हैं. तो ये किस हम डिस्कस कर लेते हैं पैडल लोकोमोशन. तो पैडल लोकोमोशन किस तरह की होती है? ये वेव्स, इसमें वेव्स आती हैं, ठीक है, जैसे कुछ चीज़ लहरा रही होती है. तो वो वेव कैसे क्रिएट होती है? वो वेव्स क्रिएट होती हैं बाय मस्कुलर सिस्टम. तो वो जो उनका मस्कुलर सिस्टम होता है वो एक फोर्स अप्लाइड कर रहा होता है टू दैट सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट जिसके ऊपर वो मूव कर रहा होता है, वो सबस्ट्रेट उसकी जगह है जहाँ पे वो मूव कर रहा होता है. लाइक वो कोई ग्लास है, फ्लोर है, कुछ भी है, वहाँ पे वो एक वेव लाइक जो है मूवमेंट करता है, ठीक है, बाई विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर सिस्टम. तो ऐसी जो मूवमेंट होती है, ऐसी लोकोमोशन होती है, उसे पैडल लोकोमोशन बोलते हैं. तो ये स्नेल हेलिक्स में देखी जाती है, फ्लैट वर्म्स हैं, निमरटाइन्स हैं, गैस्ट्रोपोड्स हैं, नडेरियन हैं, जितने भी हैं उन सबके एग्जाम्पल तो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते. तो आपने सिर्फ इनके फाइलम्स के नेम लिखने हैं और पैडल लोकोमोशन के बारे में बताना है ये कैसी मूवमेंट में. इसमें आप सिंपल ये लिख सकते हैं, मूव बाई मीन्स ऑफ वेव्स ऑफ द एक्टिविटी इन द मस्कुलर सिस्टम दैट आर अप्लाई टू द सबस्ट्रेट, दैट्स ऑल. सच टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड पैडल लोकोमोशन. तो ये इसके अलावा आप बता दें कि जो लार्ज फ्लैट वर्म्स हैं, मोस्ट निमरटाइन्स हैं, ये सारे अपनी मोशन जो है पैडल लोकोमोशन ही करते हैं. तो एग्जांपल हमने पहले भी डिस्कस की हुई है अर्थवर्म की. तो ये आप देख लें, इसमें देर आर टू टाइप्स ऑफ मसल्स दैट आर इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ अर्थवर्म. एक लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होता है और दूसरा सर्कुलर मसल्स होता है. अगर एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा रिलैक्स कर रहा होता है. तो जब ये सर्कुलर मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो है वो रिलैक्स कर रहा है तो उसकी वो फॉरवर्ड मूव करता है और इसकी लेंथ में क्या होता है? इजाफा होता है. ऑन दी अदर हैंड जब ये सर्कुलर मसल्स रिलैक्स करता है तो वो थोड़ा फैल जाता है, उसकी वेट में इजाफा होता है. लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो साइज शॉर्ट होता है. इस तरह साइमल्टेनियसली एक ही कंट्रैक्शन और दूसरे की रिलैक्सेशन से वो जो अर्थवर्म है वो क्या करता है? मूव करता है और इसके ब्रिस्टल्स यहाँ पे से सबस्ट्रेट के साथ क्लिंग करने में हेल्प करते हैं और इस तरह ये अपनी मूवमेंट शो करता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ये भी अर्थवर्म की ही डायग्राम है. इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया, उसकी बॉडी सेगमेंटेड है. तो उसके ये सिटी इंटेस्टाइन है, सेप्टा, हर सेगमेंट से अगला सेगमेंट के दरमियान जो मेम्ब्रेन है वो उसकी सेप्टा है. यहाँ पे टू टाइप्स के मसल्स दिखाए गए हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लंबाई के रुक चुके हैं और जो चौड़ाई के रुके हैं वो सर्कुलर मसल्स है. और किस तरह ये साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करके अपने सेगमेंट्स की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करके और ऑर्गेनिज्म को इलोंगेट और पुश फॉरवर्ड करते हैं. नेक्स्ट जो है वो है लूपिंग मूवमेंट. ये लीचेस वगैरह में जोंक जो होती है उसमें ज़्यादातर ये होती हैं, या इसके अलावा कैटरपिलर है तो लार्वी जो होते हैं. लीचेस हैव इंटीरियर एंड पोस्टीरियर सकर्स. देख लें उनकी बॉडी की इंटीरियर और पोस्टीरियर साइड पे आप देख रहे हैं सकर्स पाए जाते हैं. तो वो सकर्स की जो अटैचमेंट होती है वो लूप फॉर्म होती है. तो क्या करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं अल्टरनेटिंग टेम्परेरी पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट. किस तरह? देखिए, पहले अगर उसने अपना पोस्टीरियर पार्ट जो है वो अपने सबस्ट्रेट के साथ जो सक्कर है उसका पोस्टीरियर सक्कर है वो अगर उसने उस सबस्ट्रेट के साथ अटैच किया हुआ है तो जो अगला पार्ट है वो नहीं उसने अटैच किया हुआ, वो उसको मूव करने में आगे जंपिंग या मूव करने में हेल्प कर रहा है. तो जब वो अपना अगला उसने पहले पोस्टीरियर सक्कर लगाया और इंटीरियर को आगे मूव किया, जब आगे इंटीरियर सक्कर को सबस्ट्रेट के साथ अटैच कर देगा पीछे से पोस्टीरियर उठा लेगा, ठीक है, ऐसे अपने सक्कर को अटैच कर करके कभी पोस्टीरियर को करेगा कभी इंटीरियर को करेगा, इस तरह वो आगे फॉरवर्ड क्या होगा उसकी मूवमेंट होती रहेगी. इसके अलावा ये जो है इसकी भी दिखाई आगे है लेपिडोप्टेरन कैटरपिलर्स.
यानी ये एक ऐसा ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिसमें ये बटरफ्लाइज और मॉथ वगैरह आ जाते हैं, मॉथ्स वगैरह आ जाते हैं, ये उस ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स को बोलते हैं लेपिडोप्टेरन। तो यानी इसकी जो मूवमेंट है ये भी बिल्कुल लूपिंग मूवमेंट ही है, या आप लोग देख सकते हैं वही उसी तरह उसके भी जो है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं और सर्कुलर हैं, और वो क्या कर रहा है, लूपिंग मूवमेंट कर रहा है अपने इंटीरियर और पोस्टीरियर एंड की मदद से। ये एक डायग्राम है कैटरपिलर की, किस तरह देखें उसने अपना इंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट जो है वो क्लिंग किया हुआ है अपने वो लीव अपने सबस्ट्रेट के साथ, और इस तरह ही आगे भी इसने अपना इंटीरियर लगाया हुआ है, पीछे से पोस्टीरियर उठा लेगा, ठीक है, इस तरह आगे इंटीरियर उठाएगा पोस्टीरियर, तो साइमल्टेनियसली ये क्या करेगा आगे मूव करता जाएगा। सो जो नेक्स्ट लोकोमोशन पोलीकीटा के, तो पोलीकीटा में लोकोमोशन किस तरह होती है, जो पोलीकीटा के वर्म्स होते हैं वो मूव्स करते हैं बाय अल्टरनेटिव मूवमेंट ऑफ मल्टीपल लिम्स। क्या इसकी टांगें होती हैं, ये लिम्स जो है इसकी टांगों से ही आप इसको जो है वो रिलेट कर सकते हैं, पैरापोडिया होते हैं, जो पैरापोडिया हैं इसकी पेयर्ड लेग्स होती हैं पोलीकीटा की, ठीक है, आउटग्रोथ होती है हर इसके हर सेगमेंट से, आप देख रहे हैं इसके हर सेगमेंट से एक पेयर्ड लेग्स निकल रही है इन द फॉर्म ऑफ पैरापोडिया। तो ये पैरापोडिया ही इसके लिए मूवमेंट ऑर्गन है, तो उसको मूव करवाएगा, ठीक है, हर बॉडी सेगमेंट से ये निकल रहा है और इसको आगे क्या करेगा मूव करवाता जाएगा, ब्रांच्ड आउटग्रोथ भी हो सकती है, ठीक है, इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे फंक्शन है, हमने यहाँ पे सिर्फ इसके मूवमेंट के अकॉर्डिंग देखना है। जो नेक्स्ट मूवमेंट है, थर्ड वन ऑफ सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स की, वो है वाटर वस्कुलर सिस्टम ऑफ एकिनोडर्म्स। तो एकिनोडर्म्स में हम यहाँ पे सी फिश ही को डिस्कस करेंगे, स्टार फिश को, जिसका जो वाटर वस्कुलर सिस्टम है वो एक यूनिक मीन्स ऑफ लोकोमोशन रखता है। तो हम देख लेते हैं इसमें किस तरह की यानी ये स्टार फिश है, तो यू नो वेरी वेल स्टार फिश जो है, सी स्टार जो है, टिपिकली है 5 आर्म्स, और हर आर्म में आप एक वाटर वास्कुलर कैनाल देख सकते हैं, लॉन्ग ईच कैनाल और रिजर्वायर एम्पूला एंड ट्यूब। यहाँ पे दो बेसिकली टर्म्स हैं, यहाँ पे एक एम्पूला है और एक ट्यूब फीट है, ये दोनों ही हेल्प करते हैं मूवमेंट में, और विद और इनका जो हाइड्रोलिक प्रेशर है वो वाटर ही जो है वो एज अ वाटर ही है, ट्यूब फीड एक्सटेंड होगी तो हाइड्रोलिक प्रेशर जो है वो उसकी सिंपल स्टेप लाइक मोशन करवाएगा। तो आप देख सकते हैं ये 5 आर्म्स में ही इसका वाटर वास्कुलर सिस्टम दिखाया गया है, एक जो लंबाई के रुख है वो इसकी रेडियल कैनाल है, और जो सेंटर में है वो एक इसकी स्टोन कैनाल है, और इसका मैड्रिपोराइट है, ठीक है, ये वाटर आ रहा है, एंटर हो रहा है, आप इसकी एम्पुला भी देख सकते हैं, प्रोजेक्शंस है बल्ब लाइक इसमें ट्यूब, उसके आगे जो बारीक ट्यूब है उसे ट्यूब फुट बोलते हैं, ठीक है, ये सेंटर में रिंग कैनाल है, ठीक है, उस रिंग कैनाल में एक एम्पुला मैड्रिपोराइट है जिसमें स्टोन कैनाल है, और जो फर्दर 5 आर्म्स में जा रही है वो रेडियल कैनाल है। तो होता यहाँ पे क्या है कि जो इसकी हर कैनाल में जो दो एक एम्पुला और एक ट्यूब फीट है ना, जब कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल्स एम्पुला की कॉन्ट्रेक्शन होगी तो वाटर जो होगा वो ट्यूब फीट में जाएगा, ठीक है, और जब ट्यूब फीट की कॉन्ट्रेक्शन होगी तो वाटर क्या करेगा मूव करेगा इनटू द एम्पुला, ठीक है। तो इस तरह ट्यूब फीट की जब एक्सटेंशन होगी बाय हाइड्रोलिक प्रेशर तो एक क्या है इसकी मूवमेंट में हेल्प करेगा। यहाँ पे एक वाटर वास्कुलर सिस्टम एकिनोडर्म्स का यानी एक जनरल अरेंजमेंट दिखाई गई है वाटर वास्कुलर सिस्टम की, ये क्रॉस सेक्शन है आर्म का, यानी एक बाजू का क्रॉस सेक्शन दिखाया गया, और उसमें रेडियल कैनाल दिखाई गई है, और साथ जो है एम्पुला है, ट्यूब फीट है, ठीक है, स्टेपिंग साइकिल है ट्यूब फीट का, सिंगल ट्यूब फीट का, तो किस तरह ये वाटर इसमें जाएगा और आगे इसकी कॉन्ट्रेक्शन से वो एम्पुला में जाएगा और आगे इसकी स्टारफिश की मूवमेंट होगी। ये एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसमें स्टारफिश जो है वो वॉकिंग भी कर रही है ऑन लैंड। टेरेस्ट्रियल लोकोमोशन इन इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, वॉकिंग है, तो ये टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स में ही आता है, इसमें यानी ये जो आर्थ्रोपोड्स हैं इनको एक बेसिकली रिच स्केल्टल एलिमेंट्स चाहिए होता है, एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट चाहिए होती है उनको वॉकिंग के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए ग्राउंड के साथ। तो जो इनके लिम्स हैं, इनकी जॉइंटेड लेग्स होती हैं, ठीक है, लेस मैसिव होती हैं, पॉइंटेड इसकी बॉडी होती है, और आर्टिकुलेटेड जो जॉइंटेड पॉइंट्स होते हैं ना, आर्टिकुलेटेड होते हैं, वो अलाउ करते हैं मूवमेंट इन ओनली वन प्लेन। यानी ये इस तरह ये जो मोस्ट आर्थ्रोपोड्स है वॉक फॉरवर्ड और अपनी बेजल बॉडी की हेल्प से ये बॉडी को रोटेट भी कर सकते हैं,
लेकिन वॉकिंग मूवमेंट में हम क्या है, वन प्लेन में इट्स मीन डू नॉट इन्वॉल्व रेजिंग और लोअरिंग द बॉडी, यानी एक वन प्लेन में ही ये जा सकते हैं. तो इसमें वॉकिंग के लिए इनकी जॉइंटेड लेग्स ही यहाँ पे बेसिकली हेल्प करती है इनको, ठीक है. और इसकी बॉडी में मूवमेंट भी होती है, यानी ये जो मूवमेंट है वो रोटेशन टाइप भी हो सकती है. एक तो फॉरवर्ड होगी ना, रोटेट भी अपनी बॉडी को कर सकते हैं. यहाँ पे ये यानी वॉकिंग है, लिम्ब ट्रेजेक्ट्रीज है क्रैब की. यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड पे ए पार्ट है वो क्रैब में दिखाया गया है. तो क्रैब की वॉकिंग किस तरह की होती है, ये साइड वे फैशन होती है, यानी एक तरफ ही होती है. ये जो डॉटेड पॉइंट्स दिखाया गया है ना, ये मूवमेंट है अचीव्ड बाय एक्सटेंशन या जो उसकी रिट्रैक्शन हो रही है लोअर लिम्ब्स की, ठीक है. यानी ये एक साइड पे ही मूवमेंट करते हैं और ये जो है रोटेशन नहीं इसमें होगी बेजल बॉडी बेजल जॉइंट की वजह से. जबकि जो दूसरी साइड पे बी पार्ट दिखाया गया है, ये लॉबस्टर है, झींगे वगैरह हैं, और डी में स्पाइडर है, ठीक है. तो ये सी में, बल्कि सी में स्पाइडर है, और जो डी है ये भी स्पाइडर टाइप इंसेक्ट ही है. तो इनमें जो मूवमेंट है वो जो है वो नॉन ओवरलैपिंग मूवमेंट है, क्रैब की तरह नहीं है. यानी ये जो इनमें मूवमेंट है वो फास्ट भी होगी नॉन ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग लिप्स की वजह से, और मूवमेंट कैसी होगी, फॉरवर्ड होगी, और अपनी बॉडी को ये रोटेटिंग भी कर सकते हैं बेजल जो जॉइंट्स हैं ना इनकी बॉडी के. ये क्रैब की एक मूवमेंट है, किस तरह वो जो है वो वॉक कर रहे हैं बाय यूजिंग देयर लिम्ब्स इन अ साइड वे फैशन. नेक्स्ट जो है वो टेरेस्ट्रियल लोकोमोशन है इन वर्टिब्रेट्स में. फ्लाइट किस जो उड़ने वाले इंसेक्ट्स हैं उनमें किस तरह लोकोमोशन होती है. हाँ जी, ये टेरियोगोट इंसेक्ट्स हैं जिससे ये फ्लाइट मैकेनिज्म जो है आर्थ्रोपोड्स में इवॉल्व हुआ. ये टेरियोगोट जो इंसेक्ट्स हैं बेसिकली वही हैं जो हैविंग विंग्स. तो ये 100 मिलियन ईयर्स अगो से, यानी आज से कुछ 100 साल पहले जो ये है इवॉल्व हुआ. तो इसमें फ्लाइट मैकेनिज्म किस तरह का है आर्थ्रोपोड्स में, ये एक डायग्राम में दिखाया गया है कि ये फ्लाइट किस तरह लेते हैं. एक डाउनवर्ड स्ट्रोक दिखाया गया और एक जो है इसका अपवर्ड स्ट्रोक दिखाया गया है. तो बेसिकली इनके विंग्स की अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है कि वो फ्लाइट उसकी डाउनवर्ड है या अपवर्ड हो रही है. तो यानी वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है. तो जब मसल्स जो ऐसे मसल्स जो अटैच होते हैं बेस ऑफ द विंग्स पे वो डाउन स्ट्रोक मूवमेंट कर रहे हैं सेकंड डायग्राम में दिखाया गया, और वर्टिकल मसल्स हैं वो. जबकि जो हॉरिजॉन्टल मसल्स हैं और वो अटैच होते हैं थोरैक्स पे, ठीक है, और वो विंग्स को क्या करते हैं टू मूव अप, ठीक है, अपवर्ड स्ट्रोक उसका करते हैं. तो ये दो डायग्राम आप फ्लाइट में देख लें, और इसमें टेरियोगोट इंसेक्ट्स ही हैं. और इसमें आप जो फ्लाइट जितने भी इंसेक्ट्स फ्लाइट मैकेनिज्म करते हैं लोकोमोशन करते हैं बाय फ्लाइट, आप इसमें इसकी एग्जांपल्स जो है वो कोट कर सकते हैं. नेक्स्ट जो है टेरेस्ट्रियल लोकोमोशन एंड वर्टिब्रेट्स में जंपिंग है. कुछ जो हैं आर्थ्रोपोड्स हैं वो जंपिंग भी करते हैं, यानी ना तो वो वॉक करते हैं लेकिन उतनी नहीं, मतलब वॉक तो बिल्कुल ना होने के बराबर है. और फ्लाइट भी वो फ्लाइट लेंगे लेकिन उनमें जो प्रोमिनेंट मैकेनिज्म उनका होगा वो जंपिंग है, यानी वो जंपिंग बहुत ज़्यादा करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जंप लगाएंगे. वो उनमें जो है डोमिनेंट लोकोमोशन है उन क्योंकि उनकी लॉन्ग लेग्स हैं, ठीक है, और उनकी एक्सटेंसर मसल्स की जो है वो स्ट्रॉन्ग भी हैं, और उसकी एडवांटेज भी इसी में है कि वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं जंपिंग लेते हैं. तो इसमें फ्लीज हैं, ग्रास हॉपर्स हैं, लीफ हॉपर्स हैं, ये जंप करते हैं, ठीक है, और ये अपना स्केप जो रिएक्शन है वो भी जंपिंग के ज़रिए बड़ा फास्टली शो करते हैं. तो ये आप एक लेग स्ट्रक्चर दिखाया गया है ग्रास ऊपर का, एक लेग स्ट्रक्चर दिखाया गया है. इन केस ऑफ ह्यूमन आप कहते हैं कि ये जो है टीबिया है, अल्ना है, या ह्यूमरस है, लेग्स या जो आर्म्स की बोन्स, ऐसी तरह इसकी बोन्स भी दिखाई गई हैं. टीबिया है, टीबिया से नीचे टार्सस है, टार्सस से पहले फीमर है, कोक्सा है, बॉडी है, ये ट्रोकेंटर, ये सारे इसकी अरेंजमेंट दिखाई है लॉन्ग लेग्स में, ये इसकी सारे हेल्प करते हैं जंपिंग में. अच्छा, ये एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपको जंपिंग का मैकेनिज्म ज़्यादा समझ आ जाएगा.
इसमें तीन किस्म, ये फ्ली की एग्जांपल है, तो इसमें उन्होंने तीन पोजीशन दिखाई गई है फ्ली की। जो फर्स्ट पोजीशन है इस पे जो फ्ली है ना, ये सारे आप देख रहे हैं इसके जॉइंटेड एक्सोस्केलेटन ही है। तो जो ए डायग्राम में आप देख रहे हैं फ्ली इज़ रेस्टिंग, यानी वो रेस्ट पोजीशन पे है। जब वो रेस्ट पोजीशन पे है तो ये ब्लैक एरो जो शो कर रहे हैं ना, वो उसकी फीमर बोन को शो कर रहा है, ठीक है, फीमर बोन ऑफ द लेग। तो ये वो ये दिखा रहा है उसने रेज की हुई, ऊपर को उठाई हुई और जॉइंट को लॉक्ड किया हुआ, क्योंकि अभी उसने जंप लेना है। तो जंप लेने से पहले वो रेस्टिंग पोजीशन पे किस तरह का अपनी बॉडी की अरेंज कर रहा है, यानी उसने अपने जो जॉइंट्स को है उसको लॉक्ड किया हुआ है और अपनी फीमर जो बोन का जॉइंट है उसको ऊपर किया हुआ है और अपनी एनर्जी को भी स्टोर करके रखा हुआ है। तो जैसे ही आप बी डायग्राम में देखें कि बिगिंस टू जंप, अब उसने जंपिंग करनी है, तो अपने मसल्स जो उसके मसल्स रिलैक्स थे उसे वो अनलॉक कर देगा, वो जो उसके जॉइंट्स लॉक्ड थे उसे अनलॉक करेगा और जो उसने एनर्जी स्टोर की हुई थी उसे अब रिलीज़ करेगा। और अब क्या करेगा, जो उसने टीबिया को इस तरह बेंड किया, सॉरी फीमर बोन को बेंड किया हुआ था, अब वो क्या करेगा, जो उसकी दूसरी बोन है टीबिया, क्या करेगा, उससे फोर्स लगाएगा अगेंस्ट द ग्राउंड, ज़मीन की अपोजिट साइड पे अपनी टीबिया जो बोन है इसकी मदद से वो क्या करेगा, फोर्स लगाएगा और एक स्पेसिफिक वेलोसिटी क्रिएट होगी और उस हाइट के अकॉर्डिंग जंप करेगा, ठीक है, ये जंपिंग है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, थैंक यू सो मच। आप इसको डिस्कस कर लें, कोई ख़ास मुश्किल नहीं है इसमें, सिर्फ इन्वर्टिब्रेट्स की लोकोमोशन ही दिखाई गई है कि कौन सा इन्वर्टिब्रेट किस तरह लोकोमोशन करता है। लाइक जो पहले प्रोटिस्टा थे उसमें तो वैसे ही मस्कुलर नहीं थी, नॉन मस्कुलर मूवमेंट्स थी, उसमें सीलिया है, फ्लैजिला है और फर्स्ट वन एमेबा था, ठीक है, एमेबॉइड मोशन थी। उसके अलावा जब हमने मस्कुलर डिस्कस की तो उसमें हर इन्वर्टिब्रेट्स की कुछ सॉफ्ट बॉडीड थे, उनमें पैडल थी, लूपिंग मोशन थी या वाटर वास्कुलर कैनाल सिस्टम। उसके अलावा बाकी जो हायर इन्वर्टिब्रेट्स थे उसमें हमने देख लिया है कि किसी में वॉकिंग है, किसी में जंपिंग है और किसी में दूसरी मोशन है। सो आप इसको इसके स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा और एग्जाम्पल्स को याद कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।